हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुप्रिया और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लेट का यूज़ करना इंग्लिश में। तो लेट लास्ट वीडियो में भी हमने लेट का यूज़ करना सीखा था, लेकिन वो अलग टाइप के सेंटेंसेस थे जिसमें लेट नहीं था। लेट्स गो, लेट्स स्लीप, लेट्स डांस, सो इस टाइप के सेंटेंसेस थे। बट ये जो इस वीडियो वाला लेट है ये अलग है। जैसे अगर अगर हम किसी को कुछ करने देते हैं, जैसे सोने देना, अंदर ना जाने देना, मतलब अलाउ ना करना, परमिशन ना देना, मतलब इनडायरेक्टली हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो जैसे जैसे फर्स्ट सेंटेंस आप देखते हैं, लेट मी गो, मतलब मुझे जाने दो। ओके, अगर आप कह रहे हो कि मुझे जाने दो, मतलब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे जाने दो, मुझे जाना है, तो मला जाऊ द्या। तो यहाँ पे मराठी में हम क्या बोल रहे हैं, मला जाऊ द्या, लेट मी गो, आई एम गेटिंग लेट, मतलब मुझे देरी हो रही है, मला जाऊ द्या या मुझे जाने दो। तो कोई काम करने देना, ओके, हिंदी में कैसे, कोई काम करने देना, अलाउ करना, ओके, तो उसको वहाँ पे हम लेट लगाते हैं। ओके, तो ये जो वीडियो है इस इन टाइप के सेंटेंसेस पे बना हुआ है, ठीक है। तो लेट मी गो, मुझे जाने दो, मला जाओ दिया, लेट मी गो। अगर आप कह रहे हो कि अब अगर आप किसी तीसरे के लिए कह रहे हो कि उसे पढ़ने दो, अब वो लड़की है अगर, तो आप जानते हैं अगर लड़की है तो उधर हर आएगा, ठीक है। तो लेट हर स्टडी, उसे पढ़ने दो, तिला अभ्यास करूँ द्या। ओके, अगर आपकी मम्मी आपसे कह रही है तिला अभ्यास करूँ द्या, आपकी बहन को पढ़ने दो, ओके, तो उसे पढ़ने दो, ऐसे बोलेंगी हिंदी में, और या फिर मराठी में ऐसे बोलेंगी तिला अभ्यास करूँ द्या। तो इंग्लिश में उसे कैसे बोलना है, लेट हर स्टडी, मतलब अगर आपने ये चीज़ बोलनी है कि उसे पढ़ने दो, तो आप उसे कैसे बोलोगे, लेट हर स्टडी। अब अगर लड़का होगा, आपका भाई होगा, दोस्त होगा, तो आप कैसे बोलोगे, लेट हिम स्टडी। अगर एक से ज़्यादा लोग होंगे जो पढ़ रहे होंगे और उन्हें मतलब कुछ बच्चे हैं जो शोर मचा रहे हैं, तो आप इंग्लिश में उन्हें कैसे बोलोगे, लेट देम स्टडी, क्योंकि वो एक से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। त्यान्या अभ्यास करूँ द्या, ओके। अगर आप खुद, अगर आप हो और आपके साथ और भी लोग हैं, लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं और बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, तो आप उन्हें रिक्वेस्ट करके बोलोगे प्लीज़ लेट अस स्टडी, मतलब आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके साथ जो और लोग हैं उनके उनको साथ में रखकर बोल रहे हो कि लेट अस स्टडी। अगर सिर्फ अपने लिए बोलोगे तो लेट मी स्टडी, ओके ओके। तो नेक्स्ट सेंटेंस है लेट देम स्पीक, यानी उन्हें बोलने दीजिए। अभी एक से ज़्यादा लोग हैं और आप कह रहे हैं कि उन्हें बोलने दीजिए, ठीक है। मराठी में त्यांना बोलू द्या, ओके, त्यांना बोलू द्या, तो लेट देम स्पीक, लेट देम स्पीक, क्योंकि एक से ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे देम आएगा, ओके। पूर्णिमा को एक पत्र लिखने दो, पूर्णिमाला पत्र लिहू दे, ओके। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि कोई चीज़ करने देना, ओके, उस टाइप के सेंटेंसेस में हम लेट लगाते हैं, बहुत इजी है ये। तो पूर्णिमा को पत्र लिखने दो, पूर्णिमाला पत्र लिहू दे, या बड़ा है तो लिहू द्या, ओके। तो कैसे बोलोगे, लेट, पहले पूर्णिमा आएगा, किसे काम करने दो, जिस इंसान को काम करना है, जैसे यहाँ पे मी, हर, हिम आ रहा है, अब यहाँ पे हमने नाम लगा दिया है, तो इसलिए लेट पूर्णिमा राइट, वर्ब आएगा। अब जैसे यहाँ पे गो आ रहा था, स्टडी, स्लीप, ये सारे वर्ब हैं, यानी क्रिया, यानी जो काम करने देना है हमें वो है। तो यहाँ पूर्णिमा के बाद यहाँ पे लेटर लिखने का काम होगा, तो राइट आएगा अ लेटर, ओके। अ क्यों आएगा, क्योंकि एक लेटर लिखना है उसे, तो लेट पूर्णिमा राइट अ लेटर, ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी बहन ने मुझे सोने नहीं दिया। आप
अपनी बहन की शिकायत अपनी मम्मी से कह रहे हो और बोल रहे हो मेरी मेरी बहन ने मुझे सोने नहीं दिया, या अपने फ्रेंड को बता रहे हो मेरी बहन ने मुझे सोने नहीं दिया, तो माजा बहन ने मला झोपू दिले नहीं। ओके, अब ये नाही यानी नहीं दिया, अब ये नकारात्मक सेंटेंस है। तो मैंने आपको डिडेंट, डजंट, डोंट इनका यूज़ करना इंग्लिश में सिखाया था पहले कुछ वीडियोस में, तो आप प्लीज़ उनको देखिए अगर आपको वो समझ में नहीं आया है, और अगर आप प्रैक्टिस करते आए हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, मेरी बहन ने मुझे सोने नहीं दिया, या माजा बहन ने मला झोपू दिले नाही, माई सिस्टर डिडेंट या डिड नॉट, डिडेंट या डिड नॉट लेट मी स्लीप। ओके, माई सिस्टर डिड नॉट, नहीं दिया डिड नॉट या डिडेंट लेट मी स्लीप। स्लीप वर्ब है इसलिए लेट के बाद ही स्लीप आएगा, और लेट के बाद पहले किससे सोने नहीं दिया, आपको सोने नहीं दिया, तो लेट, जैसे यहाँ पे लेट मी गो, लेट हर स्टडी, लेट हिम स्लीप, तो लेट मी स्लीप, ये एक सेंटेंस हो गया। लेकिन आपकी सिस्टर ने आपको सोने नहीं दिया, तो ये तो सोने नहीं दिया का पूरा एक सेंटेंस हो गया, पार्ट हो गया। लेकिन आपकी बहन ने के नहीं दिया, ये पास्ट टेंस है, तो माय सिस्टर डिड नॉट लेट मी स्लीप। ओके, या डिडंट लेट मी स्लीप। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, बैक बेंचर्स शिक्षक को पढ़ाने नहीं देते। अच्छा, बैक बेंचर्स शिक्षिकाना शिकू देत नाहीत, मतलब जो बैक बेंचर्स होते हैं, जो क्लास में सबसे पीछे बैठते हैं बच्चे, वो कभी भी टीचर्स को पढ़ाने नहीं देते, ऐसा मोस्टली होता है। तो ये जो चीज़ है ये हमेशा हमेशा ही होती है, तो इसीलिए ये सेंटेंस जो फर्स्ट वीडियो था वो मैंने आपको सिखाया था, लेकिन ये नकारात्मक सेंटेंस है, इसमें नहीं देते हैं। तो बैक बेंचर्स शिक्षक को पढ़ाने नहीं देते हैं, या बैक बेंचर्स शिक्षिकाना शिकवू देत नहीं, तो उधर क्या होगा, डजंट लगेगा। जो हमेशा काम होता है या नहीं होता है उसमें डजंट लगेगा। ओके, जो काम हुआ था, जैसे ऊपर के केस में आपने देखा कि मेरी बहन ने मुझे सोने नहीं दिया, मतलब वो ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि मेरी बहन मुझे सोने नहीं देती है, वो हमेशा नहीं देती है। आपने क्या बोला, मेरी बहन ने मुझे सोने नहीं दिया, माजा बहन ने मला झोपू दिले नहीं, मतलब एक ही टाइम उसने आपको सोने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में क्या है, बैक बेंचर्स टीचर को पढ़ाने नहीं देते हैं, मतलब यहाँ पे वो हमेशा नहीं देते हैं। ओके, बैक बेंचर्स शिक्षिकाना शिकवू देत नहीं। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे डज आ जाए, डजंट आ जाएगा, नहीं लगा है इसलिए डज नॉट या डजंट। ओके, तो बैक बेंचर्स डजंट लेट टीचर टीच। सो लेट और किसको नहीं पढ़ाने देते, टीचर को नहीं पढ़ाने के इंग्लिश टीच। ओके, लेट टीचर टीच, ये एक सेंटेंस हो गया। और कौन नहीं पढ़ाने देते, बैक बेंचर्स डजंट लेट टीचर टीच। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस को डिवाइड करके बोलना है। ओके, पटाखे की आवाज़ ने हमें पढ़ने नहीं दिया। अच्छा, ये एक टाइम का सेंटेंस है, उसने एक ही बार आपको पढ़ने नहीं दिया। यहाँ पे ये नहीं कह रहे हो पटाखे की आवाज़ हमें पढ़ने नहीं देती है, आप क्या कह रहे हो, पटाखे की आवाज़ ने हमें पढ़ने नहीं दिया, फटाकांच्या आवाज़ आम्हाला अभ्यास करू देत नव्हता। ओके, तो पटाखों को इंग्लिश में बोलते हैं क्रैकर्स। अब पटाखे की आवाज़, ओके, फटाकांच्या आवाज़, तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं हम इसे, क्रैकर, क्रैकर पटाखे को बोलते हैं, और क्रैकर का साउंड
पटाखे की आवाज़ की, तो की के लिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, पटाखे की अपोस्ट्रोफी एस आवाज़, यानी क्रैकर्स साउंड डिडंट लेट अस स्टडी। अस क्यों लगाए यहाँ पे? क्योंकि हमें, आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी थे इसलिए लेट अस लगाए, ओके। और डिडंट क्यों लगाए? क्योंकि वो एक ही टाइम ऐसा हुआ कि पटाखों ने, कि शोर ने आपको पटाखों की आवाज़ ने आपको पढ़ने नहीं दिया। अगर वो हमेशा नहीं देता है, पटाखों की आवाज़ आपको पढ़ने नहीं देती है, तो आप डजंट लगाते, क्रैकर्स साउंड डजंट लेट अस स्टडी, ओके। तो ये तो मैं एक्चुअली ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ आपको, लेकिन फिर भी आज मैंने सोचा कि आपको, आप शायद भूल गए होंगे, प्रैक्टिस नहीं किया होगा, तो रिवीजन के तौर पे मैं सिखा पढ़ा एक बार और बता देती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, हाँ तो ऊपर डिडेंट आया और वही सेंटेंस है, लेकिन कहने का जो तरीका है वो दूसरा है। यहाँ पे आपके, आपने कहा था पटाखे की आवाज़ ने हमें पढ़ने नहीं दिया, फटाकान से आवाज़ अमाला अभ्यास करूँ देत नौता, बट जो अगला सेंटेंस है उसमें आप कह रहे हो पटाखे की आवाज़ हमें पढ़ने नहीं देती है, ओके, वो हमेशा नहीं पढ़ने देती है, तो फटाकान से आवाज़ आपल्याला अभ्यास करूँ देत नहीं, ओके तो आप कैसे बोलोगे? ये तो आपको समझा होगा, फटाकान से आवाज़, पटाखे की आवाज़, यानी क्रैकर पटाखे को बोलते हैं और की के लिए अपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगा, क्रैकर्स साउंड, आवाज़ की इंग्लिश साउंड होती है, डजंट लेट अस स्टडी। डजंट क्यों आया? क्योंकि वो हमेशा आपको पढ़ने नहीं देती है, या डज नॉट लेट अस स्टडी, या डजंट लेट अस स्टडी, राइट, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्होंने हमें टाउन हॉल जाने दिया, त्यांना आम्हाला टाउन हॉल मध्ये जाऊ दिले, ओके। सो त्यांना के लिए, उन्होंने के लिए दे, टाउन हॉल जाने दिया, ओके, दे लेट अस गो टू द टाउन हॉल, ओके, दे लेट अस गो टू द टाउन हॉल, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्होंने हमें टाउन हॉल में रहने दिया, अच्छा यहाँ पे जाने दिया जाऊ दिले, यहाँ पे रहने दिया राहु दिले, ओके, तो रहने का वर्ब क्या होता है, इंग्लिश क्या होती है, स्टे, ओके, तो आप इसे कैसे बोलोगे इंग्लिश में, दे लेट अस स्टे इन द टाउन हॉल। देखो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है वो टू टाउन हॉल है, क्योंकि उन्होंने आपको टाउन हॉल जाने दिया, टाउन हॉल मैंने आपको सिखाया था कि टू प्रेपोजिशन लगता है जब किसी की ओर, घर की ओर, किसी जगह की ओर हम जाते हैं तो उधर टू लगता है, और जब मे या मधे आता है मराठी में तो वहाँ इन लगता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने हमें टाउन हॉल में रहने दिया, त्यांनी आम्हाला टाउन हॉल मध्ये राहू दिले, तो दे लेट अस स्टडी, दे लेट अस स्टडी इन द टाउन हॉल, यहाँ पे टू द टाउन हॉल, क्योंकि उन्होंने टाउन हॉल में जाने दिया, की तरफ जाने दिया, और यहाँ पे आप ऑलरेडी टाउन हॉल में हो और उन्होंने आपको टाउन हॉल में रहने दिया, तो इन आएगा, ओके, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशंस भी हम पढ़ चुके हैं, ओके, तो ये टू और इन अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरे पिछले वीडियो में जो प्रेपोजिशंस पे वीडियोस डाले हैं उनमें आप समझ लीजिए, उन्हें एक बार और देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम मुझे खाना बनाने नहीं देते, तुम्हाला स्वयंपाक करू देत नाहीस, अब ये हमेशा का है कि तुम मुझे खाना बनाने नहीं देते, तुम्हाला स्वयंपाक करू देत नाहीस, तो ये हमेशा कोई चीज़ हो रही है तो क्या आएगा, डजंट आएगा, ओके, यू सॉरी, लेकिन तुम है, सेकेंड पर्सन है, तो यहाँ पे डजंट नहीं आएगा, यहाँ पे डोंट आएगा,
ये भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, कहाँ डिडेंट लगाना है, कहाँ डोंट लगाना है, कहाँ डजेंट लगाना है, ये भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो आप कैसे बोलोगे सेकेंड पर्सन के लिए? यू डोंट लेट मी कुक, लेट मी कुक। आपको नहीं खाना बनाने देता ना सामने वाला व्यक्ति, तो लेट मी कुक। ओके, यू डोंट, तुम नहीं, तुम मुझे नहीं खाना नहीं बनाने देते। ओके, यू डोंट लेट मी कुक। हम उन्हें अपनी छत पर बैठने और आराम करने देते हैं। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आप उन्हें अपनी छत पर आराम करने देते हैं। आम्ही त्यांना आमच्या गच्चीवर बसून आराम करू देतो, यानी आप उन्हें, कुछ लोगों को हमेशा अपने छत पर, टेरेस पर आराम करने देते हैं, बैठने भी देते हैं और आराम भी करने देते हैं। तो कैसे बोलोगे? हम आम्ही यानी वी करने देते हैं। तो किन्हें करने देते हैं? त्यांना, उन लोगों को या उन्हें। तो वी लेट देम सिट, ये वर्ब आ गया। और एक और वर्ब है रिलैक्स, आराम करना यानी रिलैक्स। ओके, तो दे लेट, सॉरी, वी लेट देम सिट एंड रिलैक्स। कहाँ पे? हमारे टेरेस पे, यानी अपने टेरेस पे। तो आवर टेरेस, इन आवर टेरेस, यानी टेरेस में, इन आवर टेरेस। सो वी लेट देम सिट एंड रिलैक्स इन आवर टेरेस। ओके, सो ये देखिए, तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा कि लेट का दूसरा यूज़। कल पिछले वीडियो में हमने लेट, लेट्स गो, लेट्स ईट, लेट्स डांस, लेट्स सिंग, ये सब देखा था। चल जाते हैं, चल गाते हैं, चल डांस करते हैं, उस टाइप के सेंटेंसेस देखे थे। और यहाँ पे कैसे कि लेट यानी कोई परमिशन, कोई काम करने देना या कोई काम नहीं करने देना, तो वहाँ पे लेट आएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब आप लेट जैसे ही लगाओगे तो किसे, मतलब जो वर्ब है उसके बीच में किसे नहीं करने देना है या किसे करने देना है काम, तो वो बीच में लेट और वर्ब के बीच में आएगा। ओके, और एक सेंटेंस पूरा, ये मतलब ये कॉम्बिनेशन है जो आपको साथ में बोलना है। लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेट हर स्टडी, उसे पढ़ने दो। ओके, ऑल राइट, सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अच्छा, अब मैं ना प्रेपोजिशंस को आगे बढ़ाते हुए वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि मैंने आपसे, आपको कहा था कि प्रेपोजिशंस हम कंटिन्यू करेंगे, पर उसके पहले कुछ टॉपिक्स कवर करते हैं ताकि आप बोर ना हो। तो अब आगे कुछ और टॉपिक्स पढ़ाऊंगी प्रेपोजिशंस पर, और फिर हम उन्हें ब्रेक ले लेके प्रेपोजिशंस, क्योंकि प्रेपोजिशंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ाती हूँ, फिर ब्रेक लेती हूँ, कुछ अच्छे, कुछ दूसरे टॉपिक्स पढ़ाती हूँ और फिर प्रेपोजिशंस पढ़ाती हूँ। ओके, ताकि आप बोर ना हो और आप प्रैक्टिस करते समय भी आप उन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर पाओ। तो प्लीज़ आप शुरू से अभी तक के वीडियोज़ देखें, क्योंकि एक वीडियो तो पहले वीडियो से लिंक होता है और तभी आपको आगे के वीडियोस समझ में आएंगे। और बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए, बोलना ही है आपको, टूटा फूटा बोलें, वो एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, तो आप वापस से वीडियो देख लीजिए कि ये कैसे बोलना था, करेक्ट कर लीजिए, और ऐसा प्रैक्टिस करते करते आप बिल्कुल परफेक्टली बोलना सीख जाओगे और फ्लुएंसी आएगी। पहले फ्लुएंसी नहीं आएगी, पहले कॉन्फिडेंस आएगा और उसके बाद फ्लुएंसी आएगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप उसे लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ये मैं आज पहली बार कह रही हूँ, मैं पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की थी, पर अब कर रही हूँ ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी इंग्लिश बोलना सीख पाएँ। ऑलराइट, सो हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।